रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के कटवारे सराय स्थित पंचायत घर में, जहां पे पिछले एक सप्ताह से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित भजनलाल शास्त्री जी, जो कि वृंदावन से पधारे हैं। आइए जानते उनके विचार। पंडित जी, जो भागवत कथा है, ये क्या संदेश देती है, क्या शिक्षा देती है जनमानस को? सबसे पहले तो श्रीमद् भागवत कथा कल वृक्ष है। किसी भी कामना के लिए, किसी भी भावना के लिए भागवत कथा का हमें श्रवण पान नित्य दिन करना चाहिए। नंबर दूसरा, अच्छाई को बताती है। भगवान कृष्ण ने, गोविंद ने हमें क्या संदेशा दिया, गीता का संदेश क्या है, रामायण का संदेश क्या है, इसमें भागवत जी में सारे शास्त्रों का, 18 पुराण का इसमें निचोड़ है। हमें आचरण सिखाती है, अच्छा कर्म करना सिखाती है, और अच्छी कमाई कैसे करें, जीवन कैसे जिए। जीवन जीना सरल है, लेकिन जीवन कैसे जिया जाए, ये भागवत कथा में श्रवण पान कराती है। आज के इस युग में, कलयुग में, कितना जरूरी हो गया है ये इस तरह के धार्मिक आयोजन? देखिए, धार्मिक आयोजनों के बिना, भागवतों में भी आया है कि राजनीति का धर्म नहीं होना चाहिए, धर्म की राजनीति होनी चाहिए। जब तक धर्म नहीं होगा, तब तक कोई कुछ भी संभव हो ही नहीं सकता। आप किसी भी जाति से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी घर से हो, हर घर का एक धर्म होता है, एक नियम होता है। तो हमारे सनातन धर्म का नियम यही होता है, शांति संदेश देना। हमारे धर्म का संदेश, भगवान गोविंद ने, कृष्ण ने गौ सेवा करके हमें गौ सेवा का शिक्षा दी है। अर्जुन को शिक्षा दी है कि संसार में मैं ही करने वाला हूँ, इंसान केवल एक कर्तव्य करे, कर्म करे। जब तक आप और हम कर्म नहीं करेंगे, बात समझ में नहीं आएगी। बिना धर्म के तो जीवन जी ही नहीं सकते साहब, बिना धर्म के क्या जीवन है? तो धर्म ही सर्वोपरि है। शिव दधीच हरिचंद नरेसा सहे धर्म हित कोट कलेसा। मीरा जी का धर्म था, सूरदास जी का धर्म था भक्ति धर्म। हम सबका एक हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। जब तक हम अपने धर्म के प्रति जागृत नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन ये पार हो ही नहीं सकते। बहुत सुंदर संदेश, धर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ऐसा कहना है पंडित भजनलाल शास्त्री जी का। कैमरामैन देवराज जी के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़।